गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ग्रामर में पढ़ाने जा रही हूँ वन एंड मोर देन वन, एक और एक से अधिक, मीन्स सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक, और जब हम एक से अधिक की बात करते हैं तो वो होता है हमारा प्लूरल। व्हेन अ नेमिंग वर्ड्स इज यूज्ड फॉर वन इट इज सिंगुलर। कोई भी चीज़ जब हम एक हमारा होता है तो वो हमारा सिंगुलर होता है। जैसे कि एक पेन, एक पेंसिल, एक बॉल को हम सिंगुलर बोलेंगे, और उससे यदि ज़्यादा होगा, जैसे कि आपको अभी हम एग्जांपल्स भी देते हैं, व्हेन अ नेमिंग वर्ड्स इज यूज्ड फॉर मोर देन वन इट इज प्लूरल। कह रहे हैं जब हम एक से ज़्यादा यूज करते हैं तो वो हमारा होता है प्लूरल। देयरफॉर इफ वी वांट टू मेक द वर्ड प्लूरल देन वी हैव टू ऐड एस या ईएस। लेकिन जब हमारे पास सामान दो होगा तो हम तो ऐसे समझ जाएंगे जो कि यस एक होगा तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल। लेकिन हम लिख के कैसे समझेंगे, जैसे कैट है तो कैट है, और जब यहाँ पे एक कैट है तो ठीक है कैट, और जब हम एक से ज़्यादा दो या तीन या चार रहेगा तो हम उसे कैसे समझेंगे, कैसे हम पता करेंगे जो ये प्लूरल है। तो उसे हम कैट, एक कैट हो गया हमारा एक सिंगुलर, उसमें हम जब एस या ई एस ऐड करेंगे, ऐड मीन्स होता है जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक कैट मीन्स सिंगुलर, एक बिल्ली, यहाँ पे एक बिल्ली भी आपको फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट में कैट्स, सी ए टी प्लस एस मीन्स कैट्स। तो ये कैट्स जो हमारा है, कैट्स मीन्स हो गया बिल्लियाँ। जैसे ही मैंने इसमें एस यहाँ पे ऐड किया है तो ये कैट्स हो गया, कैट मीन्स एक बिल्ली और कैट्स मीन्स बिल्लियाँ, चाहे वो दो हो या तीन हो या चार पाँच, एक से ज़्यादा को हम प्लूरल बोलेंगे। जैसे बी नंबर में देखो, बी नंबर में देखिए पेन है, ए पेन, ए पेन मीन्स एक पेन, ओनली वन, एक पेन। अब हम यहाँ पे थ्री पेन है तो हम थ्री पेन में क्या किए हैं, जो ये हमें पता चले ये प्लूरल है तो पी ई एन प्लस एस ऐड कर दिए हैं, तो पेन्स, पेन्स मीन्स हो गया पेन, एक पेन से अधिक, ए पेंसिल, पेंसिल प्लस एस पेंसिल्स, ए बेंच, बेंच बेंच प्लस ई एस बेंचेज। जब हम एस या ई एस जोड़ेंगे, हम एस और ई एस कब जोड़ेंगे ये हम पढ़ेंगे। अभी आप लोग क्लास फर्स्ट में है तो सिर्फ एस या ई एस की बात करते हैं, लेकिन एस या ई एस हम कब यूज करेंगे ये हम भाष रूप में आगे पढ़ेंगे। एस या ई एस हम कब पढ़ेंगे बेटा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, जो एस कहाँ जोड़ा जाएगा और ई एस कहाँ जोड़ा जाएगा, कुछ इसके रूल्स हैं, वो रूल्स अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो सिर्फ इतना समझिए जब हम एस या ई एस ऐड करेंगे तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। जैसे कैट में एस लगा के कैट्स, पेन में पेन्स, पेंसिल में पेंसिल्स, बेंच में ई एस लगाए तो बेंचेज। अभी मैंने आपको समझाया है एस या ई एस जोड़ के हम प्लूरल बनाएंगे, कैसे प्लूरल बनाया जाता है तो एस या ई एस जोड़ के। लेकिन आगे चलिए, कुछ वर्ड्स हमें ऐसे मिलता है, जैसे कि है यहाँ पे व्हेन आर नेमिंग वर्ड्स एंड विथ वाई। जब हमारे पास कुछ जो ना कोई भी नेमिंग वर्ड्स मीन्स कोई भी नाम है, नेमिंग वर्ड्स है, तो उसके अंत में यदि वाई रहेगा तो हम उस वाई को क्या करेंगे, रिप्लेस्ड करके उसमें आई, जो आई लगा के तब एस या ई एस लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए है व्हेन अ नेमिंग वर्ड्स एंड्स विथ वाई देन वाई इज रिप्लेस्ड बाय आई एंड वी हैव टू ऐड सी एस टू द वर्ड्स टू मेक इट प्लूरल। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपके हैं बेबी, बी ए बी वाई, वाई के लास्ट में क्या है, ये जो बेबी वर्ड्स है इसके लास्ट में क्या है, सबसे अंत में वाई। तो अब इस वाई को हम क्या किए, वाई के जगह पे बी ए बी आई कर दिए। जब बी ए बी आई किए हैं तो इसमें हम ई एस लगा के, ई एस ऐड करके इसको हम प्लूरल बनाए हैं, बेबी से क्या बनाए हैं, बेबीज। और उसके आगे है ए फेरी, इसके लास्ट में भी वाई है तो उसको हम क्या किए हैं, आई, वाई के, वाई को रिप्लेस्ड करके मीन्स वाई के जगह पे हमने आई लिखा, देन ई एस जोड़ के हमने उसको बनाया फेरीज, परियों, लेडी, लेडीज, लेडी, ए लेडी, एल ए डी वाई, वाई है, वाई के जगह पे मैंने आई किया, एल ए डी आई, प्लस ई एस जोड़ के इसे हम प्लूरल बनाए लेडीज।
तो समझ में आया, कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे आएंगे जिसके लास्ट में वाई होता है, तो वाई में हम एस या ई एस डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे, हम वाई को क्या करेंगे बेटा, वाई को हम पहले आई, वाई को हटा के आई करेंगे, वाई के जगह पे हम आई करेंगे, उसके बाद ई एस लगाएंगे तो हमारा प्लुरल सही बनेगा। जैसे ए बेबी बेबीज, बी ए बी आई ई एस, यहाँ पे वाई कहीं दिख रहा है नहीं ना, वाई के जगह पे हमने क्या यूज किया आई। फेरी फेरिज, वाई के जगह में इसमें भी एफ ए आई आर आई ई एस फेरिज। ए लेडी लेडीज, एल ए डी आई ई एस ए लेडीज। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, जैसे कि बेबी है कुछ शब्द ऐसा है जिसके अंत में हम, जिसके अंत में वाई हो उसे हटा के हम आई करेंगे, यस लगाएंगे। अब चलते हैं हम कुछ रूल्स और पढ़ते हैं। है द प्लुरल फॉर्म्स ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स आर फॉर्म्ड अप चेंजिंग इंटरनल वॉवेल्स। कह रहे हैं कुछ हमारा जो वर्ड्स है जिसको हम प्लुरल बनाते हैं तो उसके स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स दिया हुआ है, टूथ, टूथ मीन्स होता है दांत, लेकिन टूथ में ना हम एस लगाते हैं ना हम ई एस लगाते हैं, टूथ्स नहीं करते हैं हम, उसको क्या करते हैं, उसके जो अंदर के डबल ओ जो हमारे वॉवेल्स हैं उसको हम चेंज कर देते हैं टी डबल ई टी एच, टिथ कर देते हैं। टूथ से हमने यहाँ पे क्या बना दिया, टिथ, टूथ के मतलब हो गया एक दांत और टिथ के मतलब बहुत सारे। दूसरे नंबर में देखिए मैन, मैन जो है एम ए एन मैन, मैन का मतलब होता है आदमी, एक आदमी, तो हम मैन में ना एस जोड़े हैं ना ई एस लगाए हैं क्योंकि एस या ई एस नहीं लगेगा। मैंने अभी आपको पहले बताया कुछ वर्ड्स ऐसा होता है जिसमें कि सिर्फ हम उसका स्पेलिंग चेंज करके उसे हम प्लुरल बनाते हैं, जैसे अभी टूथ का बताया मैंने। दूसरा एग्जांपल्स है मेरा आपके सामने मैन, मैन मीन्स एक आदमी, और मैन को हमने क्या किया एम ई एन मेन, और मैन में हम ना एस लगाया ना ई एस लगाया, मैन मीन्स एक आदमी, मेन मेन मीन्स एक से अधिक। मॉस, मॉस मीन्स वही चूहा जिसको आप लोग देखते चूहा जानते ही हो, एम ओ यू एस ई, मॉस को मैंने क्या कर दिया एम आई सी ई, सिर्फ इसमें हमने स्पेलिंग चेंज किया है, ओ मॉस को माइस कर दिया, मॉस मीन्स एक चूहा, माइस मीन्स एक से अधिक। अब यहाँ पे है गुज, गुज जी डबल ओ एस ई, गुज, गुज को क्या किए हैं हम यहाँ पे गिज, इसमें भी हमारा सिर्फ स्पेलिंग में ही चेंजिंग आया है, ना कि हम इसमें एस या ई एस लगा के इसे चेंज किए हैं और एस या ई एस लगा के प्लुरल बनाए हैं। आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगी। अभी आप लोग सेकंड थर्ड में जाइएगा तो इससे आपको बहुत ही इसमें बहुत ही रूल्स मिलेगी, बहुत रूल्स है जो किसके बाद क्या यूज होता है, हम उसे कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो आपने कई रूल्स देख ही लिए हैं। पहला मैंने बनाया जो एसिया बताया है कि एसिया ई एस जोड़ के हम प्लुरल बनाते हैं, जैसे कैट था एक कैट, कैट में एस लगा के कैट्स बनाए, पेन में एस लगा के पेन्स बनाए। दूसरा रूल्स मैंने अभी आपको पढ़ाया जो जिस वर्ड्स के अंत में वाई हो उस वाई को हम चेंज करके क्या करेंगे आई, उस वाई को हटा करके आई और उसमें हम ई एस लगा के बनाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेबी बी ए बी वाई, तो उसको भी हम क्या किए हैं बी ए बी आई ई एस बेबीज। तीसरा रूल्स अभी आपने ये सीखा कि टूथ, टूथ को क्या हो गया टूथ मीन्स एक दांत सिंगुलर, और टिथ एक से अधिक। तो आपने अभी यहाँ पे कई रूल्स पढ़ लिए हैं और चलिए अब हम आपको लास्ट में समझाते हैं। सबसे लास्ट में देखिए क्या है जो कह रहा है कि सम नाउन्स डू नॉट चेंज, कुछ जो हमारे नाउन्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, दे रिमेन सेम इन बोथ प्लुरल एंड सिंगुलर। कुछ जो हमारे नाउन्स हैं मीन्स कुछ संज्ञा हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि नहीं चेंज होते हैं, सिंगुलर और सिंगुलर और प्लुरल दोनों में एक जैसे ही होते हैं, एक वचन में भी वही रहते हैं और बहुवचन में भी वही रहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए क्या है सीजर, सीजर्स, वो सिंगुलर में भी वही रहेगा, कैंची, न्यूज, फर्नीचर, मैथ्स, टोंग्स, हेयर, सिप। अब ये लोग क्या है ये सिंगुलर में भी हम इसको यही बोलेंगे और प्लुरल में भी ये वही रहेगा,
वही कह रहा है जो कुछ नाउंस जो है वो जो डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है, दे रिमेन्स सेम इन बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर। वो जो है वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही रहता है। तो चलिए आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आपको इस नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपका चैप्टर है ए एन और द, मीन्स आर्टिकल, आर्टिकल पढ़ेंगे, ए एन दी, ए हम कहाँ यूज करते हैं ए, और एन कहाँ यूज करते हैं और द कहाँ यूज करते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।